દેવગુરુ છે, પછી એ સિવાય આપણે મેન્ટલી પ્યોરિટેબલ છે, તો એ વિશે જ્યાંથી ચર્ચામાં ના ઉતરે, કારણ કે એમાંથી તમે વાંચી લેશો તો પણ તમને કે આપણે દેવું છે ડોબર્નિયર ટ્રાયડ છે, તો ડોબર્નિયરના ટ્રાયડ ન્યુલેન્ડ લો ઓક્ટેવ છે, અને એક કોમ્પ્રોઇટિક નું પેલું સિલિન્ડ્રિકલ પીરિયોડિક ટેબલ જે હતું એના વિશે થોડી ઘણી વાત કરી છે. મેન્ડેલિયન નું પીરિયોડિક ટેબલ ખરેખર આમ જોવા જઈએ તો પીરિયોડિક ટેબલ ની ઉત્ક્રાંતિ અથવા તો કહી શકાય કે પીરિયોડિક ટેબલ નું જે જન્મ સૌથી પહેલો ક્યાંક થયો હોય તો એ મેન્ડેલિયન થ્રુ થયો. 1834 થી લઈને 1907 સાલમાં એમાં ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટ થયું. એના પછી મોડર્ન પીરિયોડિક ફ્લો આવ્યો. મેન્ડેલિયે ઘણા બોલ્ડ પ્રિડિક્શન્સ કર્યા, એણે ઘણી બધી એવી ભવિષ્યવાણી કરી કે અહીંયા જ્યાં મારા ટેબલના એલિમેન્ટ ખૂટે છે ત્યાં આ પ્રકારના એલિમેન્ટ જે છે અથવા તત્વો જે છે એ ભવિષ્યમાં આવશે, જેના પરમાણુ દળ એટલે એટમિક માસ અને એમની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓથી કેવા ઓક્સાઇડ અને કેવા હેલાઇડ અને એના કેમિકલ રિએક્શન્સથી કે વિચ ટાઈપ ઓફ ઓક્સાઇડ અને હેલાઇડ ની પ્રોડ્યુસ એના માટેના પ્રિડિક્શન જેને એકા એલ્યુમિનિયમ એકા સિલિકોન વગેરે આપણે જેને આપણે કીધું છે, તો એ જે પ્રિડિક્શન જે પાછળ જતા ઘણા સાચા પડ્યા છે એ રીતે જોવા જઈએ તો મેન્ડેલિયનો મોડર્ન પીરિયોડિક ટેબલ માટે, ભલે એને મોડર્ન પીરિયોડિક ટેબલ નથી આવ્યું પણ એના માટેના જે મેઇન કન્ટ્રીબ્યુશન છે એનું મોટું કહેવાય, અથવા તો એવું કહી શકાય કે તત્વોને એક વ્યવસ્થિત રીતે પીરિયોડિક ફોર્મમાં ગોઠવવામાં એનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન છે એનું મોટું છે. અને એટલા માટે એના માનમાં આપણે એટમિક નંબર 101 ને મેન્ડેલિયમ નામ આપવામાં આવ્યું છે. યુપીએસસી બટ એ અપૂરાના મેથડ હો ગયા છે. નયા મેથડ જો છે
सीजियम एंड फ्रैक्शियम, ये एलिमेंट है जिसमें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो उसमें हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स आते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज जो है दे आर मेड टू बी पीरियड, उन्हें पीरियड कहते हैं, एंड वर्टिकल रोज जो है, वर्टिकल कॉलम्स जो है उसे ग्रुप कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रोज आर मेड टू बी पीरियड और पीरियड, एंड जो वर्टिकल कॉलम्स जो है उन्हें हम कहेंगे ग्रुप। तो अगर ग्रुप नंबर वन की बात करें तो ग्रुप नंबर वन पीरियड नंबर वन में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। हालांकि हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन मॉडर्न टाइम्स मतलब नावडेज हम इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बिठाया जाता है, जैसे जब सभी पहला पूजा करवानी को नहीं तो सुनर सभी को तो ये आपने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बढ़ता हुए तो सभी पहली पूजा हाइड्रोजन की करनी पड़े। तो हाइड्रोजन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन शोज ड्यूअल बिहेवियर, हाइड्रोजन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, मतलब क्योंकि वो मेटल की तरह भी बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। मैंने क्रिएट विद मेटल, जब वो मेटल की तरह रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एट दैट टाइम उसके ऊपर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लाइक नॉन मेटल। बट मैंने क्रिएट विद नॉन मेटल तो एट दैट टाइम उसके ऊपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लाइक मेटल, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जिसे यहाँ पे दिखाया जाता है इन सर्टेन फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यू कैन सी दैट हाइड्रोजन विल बी प्लेस्ड एट द टॉप सेंटर यस, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर वन में मेन एलिमेंट की बात करें तो ये मेन एलिमेंट है। हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के फॉर्म में डाल दिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अगर हम पीरियड की बात करें तो हाइड्रोजन वाला जो पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड, उसके बाद लिथियम सेकेंड पीरियड, सोडियम थर्ड पीरियड, पोटेशियम फोर्थ पीरियड, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स्थ पीरियड एंड फ्रांशियम सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है। तो पीरियड वाइज हमने एलिमेंट को यहाँ पे लिथियम फर्स्ट सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हुआ, सेकेंड पीरियड का पहला एलिमेंट। लिथियम अल्कली मेटल्स में इंक्लूडेड है, इन सभी ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। दे आर रिएक्टिव मेटल, दे आर सॉफ्ट, इनकी हार्डनेस को तो बहुत कम है और इनका अगर आप इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन देखो तो इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन जो है उसमें वैलेंस शेल में हर एक पहला एलिमेंट है, इसलिए उसके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन देखे तो इसकी NS1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बनेगा NS1। ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम दिस आर वन कैन से रिप्रेजेंटेटिव अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये देखो आपको पीरियड नंबर की आइडेंटिफाई हो, पीरियड नंबर वन जिसमें हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट है हीलियम। पीरियड नंबर टू, तो पीरियड नंबर टू में लिथियम से शुरू होके लिथियम के बाद उसके बाद आगे आएगा ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू जो है उसमें होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, बीना ने कहा रूबी सजीव ने। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इसी तरह से इसका भी हिंदी में नाम बनता है बेटा बागे कार कुटर पाप रोय, ठीक है। बेरियम, बेरियम सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अच्छा, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। आपने मोइलर चार्ट पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टैंडर्ड नाइन्थ में, तो मोइलर चार्ट जो है वो कुछ ऐसा है, फर्स्ट ऑर्बिट 1s, सेकेंड ऑर्बिट में क्या आएगा तो फिर 2s,
ने फिर आपको इलेक्ट्रॉन भरते जाने हैं। 6s की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 6s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब हमने डिस्कवर नहीं किया है। ओके, मोलर चार्ट में जो 1s है वो आपका फर्स्ट पीरियड भरेगा। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट है हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सामने आएगा हीलियम, इसे कहीं यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि ये बड़ा सा पीरियड बनने वाला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे हीलियम को लास्ट में रख देते हैं, जगह बना लेते हैं पहले से। ओके, ये हीलियम बन गया। ओके, 1s की कैपेसिटी पता है, s कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है। p में तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, d में टोटल 10 जा सकते हैं, और s में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। पीरियड 1 का एलिमेंट है हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 1s1। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1 है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ये देखो 1s2 होने के बाद फर्स्ट ऑर्बिट और आपका फर्स्ट शेल जो है वो कंप्लीटली भर गया। तो पहला पीरियड फर्स्ट शेल, सेकंड पीरियड सेकंड शेल, थर्ड पीरियड थर्ड शेल, फोर्थ पीरियड फोर्थ शेल, फिफ्थ पीरियड फिफ्थ शेल, इस तरह से होगा। वैलेंस शेल ये रहेगा, जो उसका पीरियड नंबर है वही उसका वैलेंस शेल है। ओके, तो पीरियड नंबर 2 की बात करें तो वैलेंस शेल आपका 2 होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर, अब वहां पे 1 एंड 2, ये हीलियम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद आया एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, फिर टोटल यहाँ पे 8 एड होते हैं 11, 19 होगा, 37 होगा, फिर कुछ 55 होता है, एंड देन ये कुछ 87 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ग्रुप लिथियम फैमिली अल्कली मेटल बना जिसके ये एटॉमिक नंबर हुए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांशियम। अब इन सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे तो आपको वैलेंस शेल तो पहले ही पता चल गया, लिथियम का वैलेंस शेल कौन सा हुआ सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 2s2 2s2 2s1, 2s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 3s1 होगा, ये 4s1 होगा, ये 5s1 होगा, ये 6s1 होगा, ये 7s1 होगा। तो ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। मैंने कहा जो उसका पीरियड नंबर है वही उसका वैलेंस शेल है, बट इसमें सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में s में नहीं आते, एलिमेंट में बाइनरी मेटल और NS1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 1s2, क्योंकि आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम ऐसा भी लिख सकते हो। तो लिथियम हीलियम 2s1, सोडियम इसके आगे इनर्ट गैस आएगा जो सेकंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट होगा वो मतलब नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 हो गया और 11 आएगा 3s1 में। उसके बाद पोटेशियम इसका होगा आर्गन 4s1, ये थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट और ये फोर्थ पीरियड का पहला एलिमेंट। देन पोटेशियम के बाद रुबिडियम, ये होगा आर्गन के बाद क्रिप्टोन 36 होता है, तो ये हो जाएगा 5s1, ठीक है 37। देन उसके बाद सीजियम ज़ेनॉन 54 होता है, तो ये हो गया 6s1 55। एंड देन लास्ट वन फ्रांशियम, इसके पहले होता है रेडॉन 86 होता है, ये हो गया 87 7s1। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना अल्कली मेटल्स का, जिसे आप अल्कली मेटल्स या एसलोक एलिमेंट भी कहते हो, या ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट भी कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखे तो दे आर शाइनी मेटल, ये शाइनी मेटल्स है जिसमें फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, सीजियम तक सभी स्टेबल एलिमेंट है। तो ये फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, दीज आर सेड टू बी अल्कली मेटल्स, वेरी सॉफ्ट इन नेचर, कैन बी कट बाय नाइफ, नाइफ छुरी से छुरी के भी समय में काफी शोभो छो। देन बनने से तो कि भाई शाइनी मेटल्स है, बर्न विद सम कलर्ड फ्लेम, हमेशा ही जो बर्न होते हैं तो एक डेफिनेट कलर प्रोड्यूस करते हैं उसकी फ्लेम, उसका रीजन आप लेटर स्टैंडर्ड्स में पढ़ो। फिर उसके बाद अल्कलाइन और
रही है। अब इसके एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ग्रुप नंबर 1 के याद है तो, क्योंकि लिथियम के बाद में ये वाला ये 4 होगा, ये 12 होगा, ये 20 होगा, ये 38 होगा, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 88। तो ये हुआ आपका सेकंड ग्रुप, जो कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन 2s में एक गया, 2s की कैपेसिटी 2 की है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन अभी ऐड हो सकता है, तो ये हो जाएगा बेरिलियम हीलियम 2s2। फिर उसके बाद आएगा बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम नियॉन 3s2। देन उसके बाद होगा मैग्नीशियम के बाद आएगा कैल्शियम, क्या आएगा आर्गन 4s2। उसके बाद कैल्शियम के बाद होगा स्ट्रॉन्शियम, क्या होना है क्रिप्टॉन 5s2। स्ट्रॉन्शियम के बाद आएगा बेरियम ज़ेनॉन 6s2 और उसके बाद होगा रेडियम रेडॉन 7s2। तो ये हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर एग्जाम ऑफ NS1 करे तो ग्रुप नंबर 2 का क्या होगा NS2। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल का हुआ NS2 बेरिलियम से लेके रेडियम तक, जिसमें रेडियम इज अ रेडियोएक्टिव और ये स्ट्रॉन्शियम इज अ रेडियोएक्टिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हेवियर देन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स की कंपैरिजन में काफी हेवियर है, कैन नॉट बी कट बाय नाइफ, आप इसे इजीली कट नहीं कर सकते एक्सेप्ट जब मैग्नीशियम को कट किया जा सकता है, मैग्नीशियम के रिबन भी बनते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो कि अल्कली मेटल दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। ये पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के पहला ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम S ब्लॉक कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो ये आपका S ब्लॉक है जिसमें अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इंक्लूडेड। अब बात करते हैं आगे ज्यादा रहते हैं, देन नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक, दैट इज कौन सा, तो कि पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मतलब जैसे ही एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही पी ब्लॉक आपका एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है। यहाँ पे टोटल 10 कॉलम चाहिए हमें, तो 10 कॉलम पहले बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 10 कॉलम हो गए जो कि हमें डी ब्लॉक के लिए चाहिए। बट ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये शुरू होगा कैल्शियम के बाद, मतलब ये निकालते हैं यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब ले लेते हैं सेकेंड पीरियड का थर्ड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड का थर्ड एलिमेंट जो है वो हो जाएगा ग्रुप नंबर होगा ये, अब यहां तक ध्यान दो, कंटिन्यूअस नंबर देने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ग्रुप नंबर 12 यहां हुआ, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स देखते हैं जिसमें बोरॉन इज द फर्स्ट एलिमेंट, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 5, इसके बाद बेरिलियम के बाद आता है। मैग्नीशियम देखो 12 है, तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आएगा एटॉमिक नंबर 13, फिर तो कि गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, उसके बाद टीएल थेलियम। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो डिस्कवर हो चुका है, बट इसका नाम जो है IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, क्यों, तो कि भाई ये IUPAC ने अभी इसके पॉपुलर नेम नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ थेलियम तक ही लिखेंगे, इसे बिना इलायची गर्म इंडियन टी भी कह सकते हो। एटॉमिक नंबर में क्या करना है, सिंपली अंडरस्टैंड द थिंग, ये 20 है, ठीक है, कितना ऐड हुआ 10, तो 20 प्लस 21, 22, 23, 24, यहाँ पे 30 आएगा, तो ये 31 बनेगा।
है मर्क्यूरी, तो ये होगा 81। जो भी एलिमेंट है सेलियम के नीचे उसका यूपीएस की नेम जो है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अभी हम बनाएंगे 88, उसके बाद 89, फिर 90 से लेके 103, और ये एलिमेंट पहुंचेगा 103 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये बनेगा 113। एक मिनट है, इस एलिमेंट का नाम हम X कहते हैं। तो इस X को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स IUPAC नंबरिंग। IUPAC के अकॉर्डिंग अगर 1 है तो अन कहा जाता है, 0 है तो नील कहा जाता है, 2 है तो बाई कहा जाता है, 3 है तो ट्राई कहा जाता है, 4 है तो क्वाड कहा जाता है, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेड। तो इस तरह से देखा जाए तो 113 अन ट्राइजम जिसका नाम हो, अन ट्राइजम। लास्ट में IUPAC नेमिंग रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में लगाया जाता है IUM, तो अन वन। ठीक है, तो ये नाम जो भी है अभी IUPAC नाम है अन ट्राइजम। ओके, तो ये हुआ आपका ग्रुप नंबर 13। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस चार्ज के अकॉर्डिंग अब इलेक्ट्रॉन समा जाएगा वो भी देख लेते हैं। पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s में भरे, फिर आपने इलेक्ट्रॉन 2s1 और 2s2 भरा, चार एटॉमिक नंबर 4 आ गया, दो यहाँ पे 4। अब पांचवा एटॉमिक नंबर जो है तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर होगा, तो 2p1 बनेगा, इसीलिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। बट 1s2 को हमने क्या कहा है, तो हीलियम कहा है, तो ये बनेगा हीलियम 2s2 2p1। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो भी है उसका नाम और फॉर्मूला जो है हमने लिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 13 एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p1। गैलियम आर्गन 4s2 4p1। इंडियम इसके पहले आएगा क्रिप्टॉन 5s2 5p1। इसके बाद आएगा ज़ेनॉन, तो ज़ेनॉन के बाद यहाँ पे ध्यान दो क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन दोनों में एक्चुअली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्रिप्टॉन 36 कहते हो उसके बाद ये भरा आपका 5s2। ठीक है, तो 5s2 के बाद यहाँ पे आपने 41 to 10 भी भरा है, तो इसीलिए 5s2 उसके बाद लिखा जाता है 4p10 और उसके बाद आता है 5p1। उसी तरह से ज़ेनॉन के लिए 6s2 फिर आएगा 5d10। 5d10 के बाद 4s14 भी भरता है। ठीक है, यहाँ पे बेरियम के बाद अगर आप 5d10 भरते हो तो 4s14 भी भरते हो, तो अगर डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरियम का लिखना है तो कुछ ऐसा होगा बेरियम बेरियम ज़ेनॉन 6s2 5d10 4s14 एंड देन 6p1। अपने को टोटल एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन में सिखाते हो। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन का कितना हुआ 54, ज़ेनॉन का 54 है, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन, 5d के 10, 4s के 14 एंड 6p का 1। एटॉमिक नंबर देखो 4 और 2 6 6 4 10 11 81। फिर उसके बाद आएगा ग्रुप नंबर
15 अच्छा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखे हम तो NH2 NP1 सब में कॉमन हुआ तो इसी तरह से इसका हो जाएगा NH2 NP2। ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो ग्रुप नंबर 15 में सबसे पहला नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन फिर फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ इसे अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके यहाँ पे ना प्यारे ऐसे सबकी बीके है। एटमिक नंबर 7 15 33 51 एंड 83। ग्रुप नंबर 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP3। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 115 अनपेंटियम ठीक है। नाइट्रोजन के बाद कौन सा फैमिली आता है ऑक्सीजन फैमिली अच्छा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली है इनको साइक्लोजन भी कहा जाता है जैसे हेलोजन क्लोरीन फैमिली को हेलोजन कहा जाता है ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली को साइक्लोजन कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन कहा जाता है। ओके तो अब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम एंड लास्ट वन पोलोनियम रेडियोएक्टिव है ठीक है। बिस्मथ थोड़ी बहुत रेडियोएक्टिविटी बताता है बाकी स्टेबल एलिमेंट है बट पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव। एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ा देते हैं 16 34 52 एंड 84 ये 116 अनहेक्सियम होगा ठीक है 116 हुआ। ओके देन अब उसके बाद इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 16 का देखें तो NH2 NP4 उसके बाद बनेगा ग्रुप नंबर कौन सा आएगा ऑक्सीजन के बाद ग्रुप नंबर 17 हेलो फ्लोरीन फैमिली और हेलोजन फैमिली। हेलोजन मतलब तो के हेलस जनरेटिंग का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग इसका मतलब होता है ऑक्साइड फॉर्मिंग। ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादातर मेटल के कंपाउंड यहीं से बने हुए होते हैं हमने पढ़ा था मेटल से नॉन मेटल में ज्यादातर ऑक्साइड और सल्फाइड और होती है। 9 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसटीटी इसका होगा ओ सलोनी सिलेंगे तेरे पॉकेट फिर कल बाहर आई आंटी। क्लोरीन 70 ब्रोमीन 35 53 एंड 85 लास्ट वन यहाँ पे 117 अनहेप्टियम ये सेप्टियम है शायद अनसेप्टियम। ओके ग्रुप नंबर 17 इसे कहेंगे NH2 NP5 ये आपका बता रहा है ठीक है। ओके देन लास्ट वन आएगा इनर्ट गैस इसमें ऊपर यहाँ पे हीलियम है अभी निकालते हैं हीलियम यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में है हीलियम के बाद नियोन देन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन एंड रेडॉन इसके बाद ये होगा अन अन ऑक्टियम ऑक्टियम जो आठ ऑक्टा मतलब आठ ठीक है। अच्छा नियॉन 10 18 36 54 86 एंड 118 तो ये हो गए ग्रुप नंबर आपका ये हो गया 18 जिसमें एक्सेप्शनली हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है बाकी सबका NH2 NP6 ठीक है। ये हुआ आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक ये S ब्लॉक और ये दूसरा जो है वो P ब्लॉक। दीज आर सम नॉन मेटल जिसमें मेटलॉइड भी है बिस्मथ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन स्टेप्स में जाते हैं ठीक है। फिर जर्मेनियम एंड आर्सेनिक देन एंटीमनी एंड टेल्यूरियम इस तरह से ये जो आपके बने ये क्या है तो कि मेटलॉइड है इज आर सम मेटलॉइड गिवन टू दैट तो ये मेटलॉइड बने एस्टेटाइन। ओके इसमें पोलोनियम एस्टेटाइन एंड रेडॉन आर रेडियोएक्टिव ठीक है। पोलोनियम से रेडियोएक्टिविटी शुरू होती है फिर सभी एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं। अब बात करते हैं ये ग्रुप नंबर 1 और 2 हमने हमारा 12 का तो अब ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 3 to 12 जो है ये
1 to 10.
और रूल के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था 5s में, बट इलेक्ट्रॉन 5s में नहीं जाता। थोरियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो पता चलेगा कि रेड ऑन, उसके बाद 7s2, उसके बाद 7s2 के बाद क्या होना चाहिए था, तो फिर 5s2 होना चाहिए था, बट उसकी जगह ये हो जाएगा 6d। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, ये एलिमेंट का वैलेंस शेल एफ नहीं है, बी है, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल एफ नहीं है, बी है, बट स्टिल इट इज एकोमोडेटेड इन द सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज बाय क्यू, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीटली रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बनी हुई है और थोरियम भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। तो थोरियम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है कौन सी, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज की, इसीलिए इट इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। अगर उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसे डी ब्लॉक में बिठाना है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड थर्ड ग्रुप में यहाँ पे 58 to 71 जगह ली थी, इसके नीचे डाल दी है। यहाँ पे एक्टिनम के बाद 90 to 103 जगह ली थी, इसलिए नीचे डाल दिए। सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनोइड, लैंथेनोइड में कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं है, लैंथेनोइड मतलब लैंथेनम के बाद, एक्सेप्ट वन दैट इज प्रोमेथियम। प्रोमेथियम एक ही ऐसा है जो रेडियोएक्टिव है, प्रोमेथियम के अलावा कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कंटेन्स ओनली वन रेडियोएक्टिव दैट इज प्रोमेथियम, व्हाइल सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज इज एंटायरली रेडियोएक्टिव। ओके, अब उससे आगे चलते हैं। तो ये हो गया 103, मतलब ये 104 से शुरू होगा, तो 104 से लेके ये 112 तक आएगा, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पता नहीं है, या फिर हम जानना नहीं चाहते, पता है तो भी हमें जानना नहीं है, वी डू नॉट डिस्कस अबाउट इट। तो ये हुआ आपका लास्ट और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ट्रांजिशन सीरीज का करें तो ऐसा कह सकते हैं कि NS 1 to 2, N-1 D 1 to 10, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर थे डी, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हो रहा है इसलिए इसको डी ब्लॉक कहा। तो ये आपका डी एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, तो ये पावर रेंजर SPD है। ओके, बट हमारे लिए तो हम पावर रेंजर SPD से एक कदम आगे बड़े हो गए, तो ये पावर रेंजर SPDF है। F में दो सीरीज मैंने कहा, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, स्टार्ट फ्रॉम थोरियम एंड सेट लोरेंशियम, ठीक है। तो 190 से लेके 103 अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन 5s में भरते हैं, और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन राइट लाइक दिस, 6s2 5d 0 और 1, कुछ एक में 0 होता है कुछ एक में 1 भी होता है, तो 0 टू 1 एंड 4s 1 टू 14 ये होगा। जबकि सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज 7s2 6d 0 टू 2 0 टू 2 क्यों, थोरियम में तो 62 है इसलिए 6d 0 टू 2 एंड 5f 0 टू 14, और इसीलिए दोनों की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली जाए तो ns2 n-1d 0 to 2 और 0 to 1 ही लेते हैं certain time and then n-2 f 0 to और 1 to 14, ये general electron, हालांकि दोनों की अलग अलग होनी चाहिए बट दोनों की अलग भी same लिखे तो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। so this is the general electronic configuration of f block element, so power ranges SPDF है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में, चार ब्लॉक में डिवाइड किया, एस पी डी एन एफ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ब्लॉक,
एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर दी एस एस ब्लॉक। इसमें एक चीज सोचो, कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा होगा, दैट इज द मैटर यू नीड टू थिंक अबाउट। ओके, वो आप खुद सोच लेना, दैट टाइम हमारे पास नहीं है सोचने के लिए। ओके, फिर उससे आगे चलते हैं कि सपोज करो कि इसे एसपीडीएम में, फिर इसके नाम के अकॉर्डिंग भी इसको अलग अलग हमने आइडेंटिफाई किया, ये अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल में, इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, इन्हें रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। एप्लॉग एलिमेंट का रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ में डायमंड बहुत कम है, ये सभी सिल्वरी वाइट मेटल है, ठीक है, सिल्वरी शाइन देती है। सोडियम है, सपोज करो यूरेनियम की बात करें तो ये सभी शाइनी मेटल है, चमकती हुई मेटल, ठीक है, बट इसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। फिर ये जो है ये नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड है, जिसमें लास्ट वन इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन उन्हें केमिकली अनरिएक्टिव या केमिकली इनर्ट बनाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी आप एक ही के ये जो अरेंजमेंट है इनका, उन्हीं अरेंजमेंट पर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दीज आर सम रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, जो धीरे 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 रिएक्टिविटी उनकी खत्म होती जाती है इनर्ट गैसेस में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो कि जैरिस और ट्रांजिशन चेंज और पीरियोडिक चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन यू गो फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 18। कैसा ट्रांजिशन चेंज, तो कि लेफ्ट हैंड साइड हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स है, जबकि ये नॉन मेटल्स है, इन बिटवीन ये सारी मेटल्स है, बट ये मेटल्स कैसी है, तो कि लेस रिएक्टिव और उसमें भी रिएक्टिविटी डिक्रीज इज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे कि तो कि कैडमियम, यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर यहाँ पे सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, तो ये सब एलिमेंट्स कैसे हैं, तो कि वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिविटी है, दैट्स राइट, दे आर से टू बी वन कैसे ट्रांजिशनल चेंज देखने को मिलता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट्स राइट, ग्रुप नंबर 3 टू 12 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब तो कि पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट या आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम उतरते हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, पीरियड में आप कैसे मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट, या ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो, एट दिस टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज देखने को मिलता है उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल, तो लिथियम और बेरिलियम, मतलब कि अगर हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट जब आप पी ब्लॉक पर आते हो तब आप कहते हो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से टेंडेंसी में चेंज हुआ, रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ, इसीलिए इन पीरियोडिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया गया या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें पीरियोडिक ट्रेंड नाम दिया गया। हमारे लिए पीरियोडिक ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव पीरियड होना चाहिए, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीरियड जो है वो पीरियड नंबर 2 होगा। और हम कहेंगे कि पीरियड नंबर 2 इन जनरल ऐसा कह देंगे, बहुत सारे एक्सेप्शन है, फिर उस एक्सेप्शन की भी बात करेंगे, बट इन लेटर स्टैंडर्ड, बट राइट नाउ तो हम ऐसा कहेंगे कि पीरियड नंबर 2 हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीरियड है और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज दिख रहा है, जो पीरियोडिक चेंज दिख रहा है, वो सभी पीरियड में ऐसा ही होगा, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शन, जिसमें भी एक्सेप्शन है, पर अभी के लिए या फिर कहने की जनरल ट्रेंड बनाने के लिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि लिथियम से लेकर नियोन, मतलब पीरियड नंबर 2 हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीरियड है, मतलब जैसा लिथियम से नियोन बिहेव करेगा वैसे ही बाकी के सभी पीरियड बिहेव करेंगे। जैसे कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जैसे बिहेव करता है, समझ जाते हैं पूरा क्लास ऐसा ही होना है, क्यों, तो कि ये रिप्रेजेंटेटिव है और ये रिप्रेजेंटेटिव में ही दम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके इंप्रेशन भी आपके क्लास के एक ही स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अब यहाँ पे सेकेंड पीरियड जो है वो सेकेंड पीरियड को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में सबसे पहला लेते हैं फर्स्ट
periodic ranges, atomic radius. Atomic radius. Atomic radius, we can say that as we move from left to right, this is the term left to right move currently. Try simply right, left to right. Atomic radius decrease. क्या होता है? Atomic radius decrease होता है. Reason समझ लो. Atomic radius क्यों decrease हुआ? तो फिर period number 2 है, इसका मतलब valence shell तो आपका 2 ही. ठीक है, ये nuclear. पर valence तो बढ़ चुका है. Second shell में तो फिर 2s और 2p है. Electron कहाँ से कहाँ पहुँचे? तो फिर 2s1 से शुरू करके 2p6 तक गए. ठीक है, total 8 elements हैं देखो. लिथियम से लेके नियोन टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर. तो ये 8 एलिमेंट कैसे भरे? तो के 2s1 से 2s2 से 2s1 2s2 2p1 से लेके 2s2 2p6 सारे ही इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर भरे, एक ही शेल में भरे. न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ा, प्रोटॉन कभी कहां गए? तो के सेंटर में के भी जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे उसमें प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस वैसे भी कम है क्योंकि सेकंड पीरियड है, तो सेकंड शेल में ही है. तो ऐसे टाइम क्या हुआ? तो सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कब रहे हो एंड साइमल्टेनियसली न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण अब क्या होगा? तो न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, मतलब उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना एटॉमिक रेडियस कम होगा. तो रीजन उसका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीजिंग. एटॉमिक रेडियस में डिक्रीमेंट है. तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और एटॉमिक रेडियस कम हुई. बट ये तो लेफ्ट टू राइट की, टॉप टू बॉटम भी तो लेना. अच्छा, पर हमारा टॉप टू बॉटम में रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा? तो क्या अल्कली मैटर विल बी अवर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप. अल्कली मैटर जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है और पीरियड नंबर 2 हमारा रिप्रेजेंटेटिव पीरियड. ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते एक वैलेंस शेल बढ़ रहा है. देखो इसमें वैलेंस शेल 2 है, इसमें 3 है, 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1. तो शेल वैलेंस शेल बढ़ा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन गो फार एंड फार फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उतना ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा. इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और पोटेंशियल भी तो बढ़ रहा है आपका, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यू ऑर्बिट. एक्चुअली देखा जाए एवरी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यू ऑर्बिट एंड दैट्स व्हाई वन कैन से दैट टॉप टू बॉटम जाते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. तो ये हुआ एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड फॉर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस क्या होगा? तो फिर से लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे सीखे? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब वन मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम आयनाइजेशन एंथैल्पी. मतलब आपका एलिमेंट रो एम है, वन मोल लिया है और उसमें से आपने उसे कैटायन बनाया, वन मोल ऑफ गैसियस आयन बनाया एंड वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा एंड दैट एनर्जी इज टेक टू बी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन. तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते पहली बार एटॉमिक रेडियस श्रिंक हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है. इसका मतलब न्यूक्लियस ने अब टाइटली इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है. अगर हम इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ रखा है तो उसे रिमूव करने में भी ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो लेफ्ट टू राइट जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी में आएगा इंक्रीमेंट. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा और इसीलिए अब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. बात समझ में आई? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा. ओके, अब जा
गए हैं टॉप टू बॉटम रिप्रेजेंटेटिव पीरियड में ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम की बात करें, ऊपर लिखा ही है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, इसके कारण शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता मतलब तो क्या, हर एक नया इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन नए शेल में जा रहा है, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर मतलब लास्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देते हैं, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जब भी इंक्रीज होगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा, ठीक है। दूसरा ये भी है क्या, तो कि अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डिस्टेंट शेल, दूर दूर की शेल में जा रहा है, सिंपल थिंग इज न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्यों, तो फिर उसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेटिव पीरियड में लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, सीजियम का सबसे कम, फ्रैक्शन की बात बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए ऐसा कहेंगे जो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि वो तो फिर वो रेडियोएक्टिव, उसका खुद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो पहले हो, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहता नहीं, कंटिन्यूअस मास डिके होता है उसका, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, लेफ्ट टू राइट में भी एक चीज याद रखना, मैं कहना भूल गई एटमिक रेडियस में, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एटम इन सेकेंड पीरियड, लिथियम इज द लार्जेस्ट एटम इन सेकेंड पीरियड, नियोन के बारे में बात नहीं करेंगे। वाई, तो कि भाई जब आप लिथियम से लेके फ्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहे होते हैं तब आप कोवेलेंट रेडियस मेजर करते हो, कोवेलेंट रेडियस मतलब तो कि कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एटम के बीच में बनाने हैं, समान लेते हो तो लिथियम एटम के बीच में, और उसका एवरेज इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस जो होता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। बट नियोन डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, नियोन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है, कोवेलेंट रेडियस कहाँ जाएगी, तो कोवेलेंट रेडियस इसकी एनर्जी को ही नहीं की जा सकती। हाँ, जो इंडिविजुअल ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं तो इनका इंडिविजुअल रेडियस जो मेजर होता है उसे वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं, जो कि रिलेटिवली काफी बड़ी हो, क्यों, क्योंकि दो नियोन एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वैन डर वाल्स रेडियस बहुत बड़ा होगा, तो नियोन का वैन डर वाल्स रेडियस वैसे भी बहुत बड़ा होगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। हाँ, फ्लोरीन तक कह सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस मेजर की जा सकती है, एंड कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू, ये एक्सेप्शन आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलते हैं, बट दिस इज नॉट द पॉइंट टू टॉक ओवर हियर, यहाँ पे उसकी बात नहीं करनी, ट्वेल्थ में पढ़ लो क्या, इलेवेंथ में। ओके, फिर लेते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले से डिफाइन करते हैं, एनर्जी लिबरेटेड में वन मोल, एनर्जी लिबरेटेड और एनर्जी एब्सॉर्ब दोनों कह सकते हैं, एनर्जी लिबरेटेड और एनर्जी एब्सॉर्ब में वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, मतलब उसका न्यूट्रल गैसियस एटम एम गैसियस प्लस वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू गिव यू, ये क्या देगा आपको, एम माइनस वन गैसियस आयन बनाया, तो एट दैट टाइम आइदर एनर्जी विल बी लिबरेटेड और गेन, डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, वन कैन से लेफ्ट टू राइट जाते जाते अगर आप जनरल टेंडेंसी देखो तो इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यों, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, फिर लेफ्ट टू राइट जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जा रहा है, क्यों, तो कि टाइटली पैक्ड है, और वन जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, तो एट दिस टाइम इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है, तो जिन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसे जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो वो ज्यादा एनर्जी
brain is having the treatment when we move from left to right. Okay. Up there are some exceptions too. Second period main kuch ek exceptions hai, matlab rule breaking elements are there. Aap understand my why the exception? Nahi hota. Kabhi jaise hai ya par hum upward hai, exception hai. Kya exception ye hui hai? तो कि यहाँ पे पहले देखते हैं बोरोन और बेरिलियम. बेरिलियम और बोरोन में एक एक्सेप्शन है. दूसरा एक्सेप्शन आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मिलेगा. ठीक है, बेरिलियम और बोरोन में तो केटमिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्रिएट हुआ है. तो कि अगर आप बेरिलियम और बोरोन का इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन देखो, ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है. रिलेटिवली जब आपका ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन बोरॉन. बेरिलियम की स्टेबिलिटी बोरॉन से ज्यादा है. दूसरा ये भी है, इतने इलेक्ट्रॉन एफ में है विच आर क्वाइट नियर विद रिस्पेक्ट टू 2p. 2p की कंपेरिजन में 2s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास माना जाता है. तो इन दैट केस अगर न्यूक्लियस से ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिमूव करना भी डिफिकल्ट है. तो इन दैट वे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोरॉन. ये एक्सेप्शन बन गई क्योंकि एक्चुअली इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए इसका कम, बट उल्टा है. सेम वे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2H2 2P3 और इसका है 2H2 2P4. ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड आर मोर स्टेबल. 2P3 मतलब हाफ फील्ड हुआ, पी का कैपेसिटी 6 का होता है. एक ओवरहेड कितने हुए 3, इसका मतलब हाफ फील्ड है. तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाले एलिमेंट हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्टेबल है तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मोर स्टेबल. और अगर नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा. इसलिए डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. एक्सेप्शन हुआ कि ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था और राइट हैंड साइड, बट ये एक्सेप्शन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमने सिग्नल देखा, लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा. तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखना. चलो एक और पीरियोडिक ट्रेंड लेते हैं. कौन सा लेंगे तो कि इसके बाद हम ले लेते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी देयर इज एन एक्सेप्शन. अच्छा, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में टॉप टू बॉटम तो रह गया है, पहले वो लेंगे. ओके, टॉप टू बॉटम रिप्रेजेंटेटिव पीरियड. टॉप टू बॉटम ज्यादा जाते इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, बहुत ज्यादा दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो भी कम होती जाएगी. क्यों? तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण. तो टॉप टू बॉटम जाते जाते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. ठीक है, तो जनरल ट्रेंड ये रहा क्या? तो कि अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, पर टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्योंकि अगर बहुत डिस्टेंट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता और एक साथ आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब तो कि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ओके, एक और बात करनी है वो ये एक्सेप्शन. इसमें भी एक्सेप्शन है तो पहले एक्सेप्शन देख लेते हैं. एक्सेप्शन कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में एक्सेप्शन है. कैसा एक्सेप्शन? तो कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ई जी ऑफ ऑक्सीजन. और उसी तरह से डेल्टा एच ई जी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ई जी ऑफ क्लोरीन. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हुआ. एक्सेप्शन का रीजन शायद आपको सर ने बताया होगा, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं. इसमें वैलेंस शेल आपका थर्ड है.
एक लीटर का 18 आता है, दोनों में 7-7% भरे हुए हैं, सपोज करो दोनों में 7-7% भरे हुए हैं। आठवां परसेंट जो ऐड होगा दत्ता होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी कहाँ पे कम होगी, तो कि यहाँ पे दत्ता होगी ज्यादा होगी, यहाँ पे दत्ता होगी कम होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करो, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सेल 18 की कैपेसिटी का है, ये 8 की कैपेसिटी का है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो कम होगी कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी यहाँ पे ज्यादा। तो सेम चार्ज स्पीशीज रिपेल ईच अदर, तो अगर आप छोटी जगह स्मॉलर साइज शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ने के कारण लिबरेट होने वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, यहाँ पे ये उतनी ही ज्यादा होती है। सेम वे क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसमें 18 की कैपेसिटी है, इसकी 8 की कैपेसिटी है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें भी 7 से ही भरे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन 8 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे ज्यादा फेस करना पड़ेगा, तो कि स्मॉलर साइज शेल में मतलब क्लोरीन में, और इसी के कारण इसका भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। ओके, नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये टेंडेंसी है, ये एंथैल्पी नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इन दोनों में यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये टेंडेंसी है। इस टेंडेंसी को मेजर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दी है, पावलिन स्केल है, मोइसन स्केल है, बट हमारे लिए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब रिलेटिव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिलेटिव टेंडेंसी व्हेन एन एटम इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद द अदर एटम। यहां पे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें दो एटम में से दोनों की रिलेटिव टेंडेंसी का जो डिफरेंस है दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया HCl, दोनों को कंपेयर करते हैं, HCl की जगह HFC, ठीक है, HF तो क्या अलग अलग है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ जो रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखो 9 प्रोटॉन आ गए, इसमें एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। अब समझो क्लोरीन की रिलेटिवली एटॉमिक साइज बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइड्रोजन ऐसा समझ के चले, तो भी इनमें इन दोनों में से किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन का, इसलिए जब इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी, तो जिसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो उसके प्रति ज्यादा रहेगी, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड क्लोरीन rather than hydrogen, और इसलिए it seems that hydrogen is losing electron and chlorine is gaining electron, इसलिए इस पर partial positive और इसके ऊपर partial negative charge generate होता है जिसे polar bond कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से polarity generate होती है। यहाँ पे
इवन आपको मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था 10 दिसंबर। ओके, थैंक यू।